सो अभी क्या चल रहा है कि काफी मार्केट्स में डिस्कशन हो रहे हैं कि मंदी में जा रहा है, पूरा वर्ल्ड मंदी में जा रहा है, इंडिया पर्टिकुलरली यूएस के रिसेशन की वजह से। तो आपका एक रिमार्क्स लेना चाहेंगे ओपनिंग रिमार्क्स की, आज का जो सब्जेक्ट है कि आर वी गेटिंग इन टू रिसेशन इन इंडिया, तो व्हाट इज योर व्यू सर? मेरा स्पष्ट व्यू ये है कि इंडिया में कोई रिसेशन नहीं है, ना ही इंडिया के स्टॉक मार्केट में कोई मंदी है। और अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें वजन दें, क्योंकि मैं हर हर टाइम ये बात नहीं कहता हूं। अगर इंसान एक बात 24 घंटा 20 साल से दोहराता रहे तो कभी ना कभी तो राइट हो ही जाएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वही कहता हूं जो मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा हो, एंड मुझे जो 2010 में यूएस मार्केट के लिए नजर आ रहा था, जो कि एंटी कंसेंसस ट्रेड था, लोगों का यही कहना था कि वहां मंदी होगी और इंडिया में तेजी होगी। मैंने कहा कि नहीं, ये उल्टी बात होगी, आपको इमर्जिंग में मंदी होगी और यूएस में तेजी होगी। आज उसके बिल्कुल विपरीत मैं कह रहा हूं कि यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में मंदी रहेगा आगे जाके भी। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत आसानी से ये चीजें सुधर जाएं। कम से कम 12 महीने का भी अगर व्यू मैं लेके चलता हूं तो ग्लोबल मार्केट्स में मुझे तेजी नजर नहीं आती। लेकिन उस पीरियड में इंडिया विल फार फार आउट परफॉर्म एंड आउटशाइन ऑल अदर मार्केट्स। मतलब के हमारे और दूसरे मार्केट्स के बीच का फासला इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग आज से 12 महीने के बाद आश्चर्यचकित होकर वापस देखेंगे कि हमें इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया। तो ये इंडिया का ईयर है, इंडिया के नेक्स्ट 3 साल है, इंडिया का नेक्स्ट 5 साल है, भगवान की दया रही तो इंडिया का 10 साल भी रहेगा। मतलब काफी लंबा स्ट्रक्चर ग्रोथ आपको देखने को जी दिख रहा है, मतलब आगे 10 साल का भी उसे। बिल्कुल।